ओके, आप लोगों ने मुझसे हर बार कहा है कि पवनदीप की जो टीम है उसका इंटरव्यू करते नहीं है, लेकिन आज पहली बार पकड़ में आ रहे हैं। हाँ भैया, कहाँ रहते हैं, कितना बिजी रहते हैं? दिल्ली से आए हैं ये लोग, दिल्ली से आए हम लोग, दिल्ली के टीम के खिलाड़ी हैं ये। आप सब देखते ही रहते हो, हम लोग आप खुद ही कहते हो कि फ्लाइंग टीम है, कभी कहीं कभी कहीं, तो बस आप लोग देखते रहते हो, बस आपकी नजरों में ही रहते हैं। तुषार पाजी, आप बताइए। सब साथ ही है, हर एक चीज में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके जो पवनदीप भाई है उनका गाना आ रहा है, कितनी खुशी होती है? ऑफकोर्स खुश तो बहुत है, हम सारे ही खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश है। बताओ, मुकुल दा बहुत ज्यादा साथ रहते हैं, बहुत ज्यादा। वीडियो भी शूट किया है, वीडियो भी शूट हुआ है और वीडियो भी चलने वाला है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मूवी में आ रहा है गाना, मूवी में आ रहे हैं हम लोग, कोई ना कोई गाना। अरे तो हीरो बन गए हैं सिंपल। मुझे अब ये बताओ, इतने सारे शोज में जब आप जाते हो तो सोना नहीं होता, खाना नहीं होता। अभी तो किसका पिक्चर था, साहिल का पिक्चर था शायद, सोते हुए, जो मैंने यूज किया था अच्छे से। घर पे आके सोया हूं आज। हाउ डू यू मैनेज? मैनेज करते आदत हो गई है। सीरियसली? हां, अरे आज पता नहीं है, फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में सो जाते हैं, ये तो सोते रहते हैं हमारे। यार बाजी मोस्टली ऐसे करके एकदम सोते रहते हैं। फ्लाइट में बैठते ही 2 मिनट में फ्लाइट में बैठेंगे, बोलेंगे कि मुकुदा 2 मिनट देखो, बस 2 मिनट होते ही सो जाते हैं। आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है? नैपकिंग है बाजी, इतना जल्दी फट से नैप ले देते हैं। अच्छा? हाँ, तुरंत ही सबसे ज्यादा आराम करने वाले हैं बाजी। अच्छा, पारस एक्टिव है ये साहिल, वो तो इनके काम पर से दिखाई देता है। सबसे ज्यादा खाता कौन है? अभी भी चल ही रहा है। साइज भी सबसे सबसे बड़ा मेरा ही है। अच्छा? पहले एक्सेल आता था, डबल एक्सेल आने लग गया। खाते नहीं है लेकिन उतना, वो साइज ऐसे ही नेचुरल पहले से ही ऐसा दे दिया भगवान ने, शौकीन है सब खाने और बाकी खाने के तो सब। अच्छा एक बात बताओ, पवन को इतने ऊपर देखना जब दर्शकों को पसंद आता है तो दिल से कैसी दुआ निकलती है? शुरुआत आपसे। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे खास भाई दोस्त इतना बढ़िया काम कर रहा है और उसके गाने भी आ रहे हैं, तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा है, एकदम बचपन से हम लोग साथ हैं और साथ खेल रहे हैं, साथ हम लोगों ने म्यूजिक किया है, साथ काम करते करते आज हम भी इसके साथ हैं, तो मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी उसने दी हुई है साथ में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। साहिल कभी लड़ाई हुई पवन से? नहीं, पवन दा से कभी? अरे झूठ बोल रहे हो। पवन दा बहुत शांत आदमी, पवन दा से कहा कौन लड़ेगा। तुमने कभी उसकी कोई चीज चॉकलेट वॉकलेट चुराई हो, ऐसा कुछ किया? चॉकलेट तो चुराएंगे तो नहीं, सही है। एक्चुअली होता क्या था कि जब भी पवन दा को गिफ्ट्स मिलते थे ना चॉकलेट वाले, तो सबसे पहले मैं ही आता था कि बाबा खोलो अब क्या है, हम नहीं खा रहे हैं सब, ऐसा होता था। वो जो भी पवन दा जैसा नेचर किसी का नहीं है, मतलब बहुत ही मजा आता है इतने, मतलब सबके साथ प्ले करने के बाद ऐसा फैमिली जैसा फील अभी आजकल आने लगा है और बहुत ही मजा आता है एज यूजुअल। अच्छा, और इतनी सुंदर जगह आप गए थे, ये लोग साथ में लद्दाख गए थे, हाउ वाज द कंप्लीट शूट, यू वर देयर राइट? तो कैसा रहा वहां? हां तो हवा भी बहुत कम है, कमाल की जगह थी, तो वेदर थोड़ा सा खराब था लेकिन फिर भी हमने खूब एंजॉय किया और बाइक राइडिंग भी की काफी, पेंगोंग लेक गए थे वहां पे शूट किया और शो भी हमारा बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स हुआ वहां पर, वहां पर बिल्डिंग आसपास की बिल्डिंग पे लोग खड़े होकर देख रहे थे। आई सॉ दोस विजुअल्स, मुझे अलग से मिल गए थे वो विजुअल्स। मुझे ये बताइए, आप तो इंडियन आइडल में भी आए थे, तब क्या इनको समझ में आ गया था कि पवन विनर हो जाएगा? हाँ हाँ, वो तो पहले से ही है, वो तो पहले से ही है कि वो इतना टैलेंटेड है, ओवरऑल सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता है वो, मतलब और ऊपर से इतना डाउन टू अर्थ लड़का है, तो पहले से ही ऐसा लगता है कि हाँ यही बनेगा, जीते आते ही। लेकिन टक्कर में तो अरुणिता भी थी, आपको कभी कंफ्यूजन हुआ? कंफ्यूजन जीते हुए ही दोनों जीते, तो वैसे सारे ही सब लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं। आप पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दिया है, जीता वो बस वो नंबर वाइज हो गया है, बट सब विनर है, गाते सब बहुत अच्छा है, सारे लोग जितने भी हैं सब बहुत एज सिंगर है, एकदम सुनते ही इयर के अंदर तो मजा ही आ जाता है कि वाह क्या आ रही है आवाज लाइव एकदम। सच बताइए, जब आप लाइव शोज करते हैं, लोगों का इतना अच्छा रिएक्शन मिलता है, कलाकार को कितनी खुशी होती है? पाजी आपसे पाजी पाजी इज बिजी
बहुत ही मजा आता है एक्चुअली, मतलब आप जब खुद प्ले कर रहे होते हो और आप इतने इन ईयर्स में पैक्ड होते हो कि बाहर की आवाज आपको आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर जब हम लोग बाद में लाइव सूरज सर का देखते हैं ना, उसके बाद लगता है कि कुछ करके है। आज अभी हम लोग पूछ रहे थे क्या हमारे बारे में भी इतनी ताली बज रही है, अभी बाद में हम लोग ने लाइव सुना तो हमने कहा बाप रे, तो बहुत ही। चलिए ऑल द बेस्ट कह दीजिए अपने प्यारे। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट।